अगर ऐसा कोई खाना है जो मुंबई की शान है, अगर ऐसा कोई खाना है जिसका नाम मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो वड़ा पाव मुंबई का एक अभी आइकॉनिक डिश बन गया है। तो चलो इस एपिसोड पे जाते हैं वड़ा पाव के खोज में, तीन मेरे सबसे फेवरेट वड़ा पाव मुंबई में, और शुरुआत करते हैं यहीं से, यानी कैपिटल सिनेमा जो मेरे पीछे है, वीटी स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने। जाते हैं वहां और पूछते हैं कि खाने में क्या है। तो मैं हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सामने, कैपिटल सिनेमा, बहुत पुराना सिनेमा है। यही मेरा कॉलेज था, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ हम हमेशा आते थे वड़ा पाव खाने के लिए। ये जो वड़ा पाव वाला है वो लगभग 80 साल से भी पुराना है, उसका नाम है आराम, और वह बहुत बढ़िया वड़ा पाव मिलता है। चलिए खाते हैं। बहुत सारा वड़ा पाव है यार, नॉर्मल वड़ा पाव है, बटर वड़ा, कौन सा? अच्छा, बटर वड़ा पाव खाऊँ क्या, नॉर्मल वड़ा पाव खाऊँ? है बटर? दोनों खाऊँ मैं। नॉर्मल खाते हैं पहले वड़ा पाव, सादा में भी चटनी, चटनी मीठा तीखा दोनों है? तीखा दोनों है, मीठा तीखा दोनों चटनी। कहते हैं आराम ओरिजिनल 1939 से यहीं पे शुरू किया है ये, और ये मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव है। मैं भी लगभग ये 80 साल का है, मैं यहाँ लगभग 40 साल से खा रहा हूँ। देखते देखते ही मुँह में पानी आ गया। हाउ गुड ला नॉर्मल, सादा सादा वड़ा पाव। चलो मैं थोड़ा साइड में होता हूँ क्योंकि भीड़ काफ़ी यहाँ होती है, लंच टाइम हो रहा है और लोग वड़ा पाव के लिए बेचैन हो गए हैं। अभी इसकी खासियत ये है कि ये जो देखिए इसका जो वड़ा है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा है। दो किस्म की चटनी आ जाती है, एक मीठी और एक तीखी, और उसके साथ एक मिर्ची भी आती है, ये मिर्ची। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। ये जो वड़ा पाव है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं छोटा था, जब हम सिर्फ वड़ा खाते थे, तो ये वड़ा का जो आलू है वो हमेशा सफ़ेद होता था, पीला नहीं सफ़ेद, और इस वड़ा पाव का आलू सफ़ेद है। इसका जो कोटिंग है वो ज़्यादा कैसे कहते हैं, जाड़ा नहीं है, मोटा नहीं है, पतला सा है, क्रिस्प है। अब इस वड़ा पाव के बाद, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माने में अलग अलग से वड़ा पाव आते हैं, बटर चीज़ ग्रिल है, ट्राई करते हैं। अभी क्या बोलूँ, ये है चीज़ ग्रिल्ड वड़ा पाव, यानी बन में चीज़ डाल के वड़ा पाव ग्रिल किया है। मैं टेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि आजकल आप लोगों को अलग अलग किस्म के डिशेस और कॉम्बिनेशंस पसंद है इसलिए, लेकिन अगर मैं होता तो मैं सिर्फ वड़ा पाव खाता। वड़ा तो वही है जो मुझे बहुत पसंद था, इसमें अभी चीज़ और बटर आ गया है, यानी ये वड़ा पाव और रिच बन गया है। पाव के बदले में बन, यानी बर्गर बन है, और चटनी के साथ, एक बार चटनी के साथ ट्राई करता हूँ इसे। अच्छा है, लेकिन वड़ा पाव होता है ओरिजिनल, और ये आराम का ओरिजिनल वड़ा पाव सबसे अच्छा वड़ा पाव है। लेकिन इस एपिसोड में हम और भी वड़ा पाव खाने वाले हैं, तो चलो जाते हैं और नेक्स्ट वड़ा पाव कौन सा है देखते हैं। लेट्स गो। दूसरा वड़ा पाव ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा हूं मुंबई के बायकला स्टेशन में,
अब बाइकला स्टेशन के बाहर ही एक वड़ा पाव है जिसका नाम है ग्रेजुएट वड़ा पाव, और इस वड़ा पाव के पीछे एक कहानी है। तो चलो जाते हैं ग्रेजुएट वड़ा पाव और कहानी सुनते हैं और वड़ा पाव खाते हैं। तो यह है ग्रेजुएट वड़ा पाव और मेरे साथ है तृप्ति पवार। ताई, अभी आप पहले मुझे बताइए इसका नाम ग्रेजुएट क्यों रखा है? क्योंकि मेरे मिस्टर का पूरा ग्रेजुएशन ही हुआ था, तभी जॉब नहीं मिलता था पहला 30 साल पहले। तो गांव से आए तो हम लोग जॉब के ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं। उसके बाद वो बोले था बिजनेस करने का अपने, वो कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं, तभी वड़ा पाव 2 रुपए था। तो हम लोग पहला एक गाड़ी लगाए छोटा सा, यही गाड़ी यही नहीं हाथ गाड़ी रहता है ना वो रोड पे, वो गाड़ी लगाया। अच्छा, तो उसका नाम ही वो बोले कुछ नहीं, अभी मैं ग्रेजुएट ही नाम रखेगा, खुद मैं ग्रेजुएट पढ़ा है तो मेरा धंधे का भी नाम वही ग्रेजुएट ही रखेगा। अच्छा, तो ये जो वड़ा पाव आपने और आपने हस्बैंड ने 30 साल पहले गाड़ी लगाई, उसका रेसिपी? ये मसाला हम लोग खुद बनाते थे, ये पूरा उनका ही आइडिया था, घर में ही बनाते थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपका पाव भी बड़ा, पाव भी बड़ा है। ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग के लिए ज्यादा खाना यही पसंद करते हैं। क्या आता है 10-15 रुपए में, चलो यही आता है, वड़ा पाव में उनका पेट भर जाता है। तो ये अभी अभी मैं भी वड़ा पाव खाऊंगा। यहाँ काफी अभी नए नए वैरायटीज है, 25 वड़ा पाव का वैरायटीज है, आप खाइए देखिए टेस्ट करके और बताइए। ये बूम बैम क्या है? बूम बैम है वड़ा पाव, एक तंदूर वड़ा पाव है, चीज वड़ा पाव है। लेकिन टेस्ट करते हैं ओरिजिनल वड़ा पाव। तो ये है अभी ग्रेजुएट का वड़ा पाव, यही मुझे अच्छा लगता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा पाव, चीज़ वीज डाल के कुछ मज़ा नहीं, लेकिन लोग खाते हैं आजकल। तो ये है, 2 किस्म की चटनियाँ हैं इसमें, वड़ा बड़ा सा वड़ा है और पाव। ये तीखा है, वड़ा जो है मसालेदार है, हरी मिर्च है इसमें, राई का तड़का है, कड़ी पत्ता है और बहुत तीखा है। वड़ा पाव में मज़ा आता है जब पाव नरम होता है, वड़े का बाहर का कोटिंग जो बेसन का कोटिंग क्रिस्प होता है, और अंदर का आलू जब मसालेदार होता है। बहुत साल पहले वड़ा पाव होता नहीं था, सिर्फ बटाटा वड़ा होता था। तो वड़ा पाव की शुरुआत कब हुई? कहते हैं कि दादर में 1970s में एक ऑमलेट और पाव का स्टॉल था जहां सब मिलवर्कर ऑमलेट और पाव खाने आते थे। बाजू में एक आदमी बटाटा वड़ा बेचता था, तो उसने सोचा कि अगर ऑमलेट पाव बिक सकता है तो वड़ा पाव क्यों नहीं बिक सकता। तो उसने शुरुआत की, वही पाव जो बेकरी का पाव है जो ऑमलेट वाला यूज़ कर रहा था उसने खरीदा, काटा, चटनी डाली, जो चटनी वड़ा के साथ बटाटा वड़ा के साथ वो बेच रहा था और उसमें बटाटा वड़ा डाला और बन गया वड़ा पाव, जो आज मुंबई का नाम लोगे तो वड़ा पाव का नाम आता ही है। एक और जगह जाते हैं जहां एक अलग किस्म का वड़ा पाव मिलता है जिसे कहते हैं ना, आप आइए फिर मैं बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलो वड़ा पाव खा के मेरा पेट भर गया है, लेकिन एक और वड़ा पाव बाकी है, ये आखिरी वड़ा पाव इस एपिसोड के लिए खा रहा हूँ। मैं आया हूँ सिवरी कोलीवाड़ा जहाँ विट्ठल वड़े वाले हैं, श्री विट्ठल वड़े वाले। इनका जो वड़ा पाव है स्पेशल है क्योंकि इसे भट्टी वड़ा पाव कहते हैं। अभी इसे क्यों भट्टी वड़ा पाव कहते हैं, आ जाइए और खाते हैं और चखते हैं और पूछते हैं। चलो
तो सिर्फ वड़ा पाव इम्पोर्टेंट नहीं होता, वड़ा पाव बनाने वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये है मच्छिंदर शिंदे साहब। आपका ये जो वड़ा पाव है काफ़ी फेमस है, ये भट्टी वड़ा पाव कहते हैं इसे। मैं पूछने वाला हूँ कि भट्टी क्यों, लेकिन ये कितना पुराना है आपका वड़ा पाव वाला? अपना सर 1955 में मेरे पिताजी ने चालू किया। 1955 यानी कितने साल हो गए अभी? अभी 67 ईयर हो गया सर। 67 ईयर्स ओल्ड। और रेसिपी वही है? वही रेसिपी है, हमारा पूरा खानदानी फैमिली उसमें, पूरा घर का सब फैमिली मेरा रेसिपी बनाते हैं। अच्छा, हाँ, उसका जो भाजी भिजी लगता है सब मेरे घर के सब फैमिली बनाते हैं। घर पे बनती है? हाँ, घर पे बनती है पूरा फैमिली। और ये आइडिया कैसे आया कि भट्टी, भट्टी यानी जो तलता है वड़ा पाव, जो तल रहा है वो लकड़े पर तलता है एज ए गैस, नहीं तो नॉर्मली कैसे गैस वैस होता है, तो ये आइडिया कैसे आ गया फिर आपके? 1955 में सर वो टाइम पे स्टोव या गैस कुछ भी नहीं था। हाँ। जो भी वो टाइम पे अपन जो खाना बनाते थे सब पूरा लकड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर ही बनता था। कोयला या लकड़ा? हाँ, कोयली लकड़ा ऐसा, वो जो जंगल में तोड़ के लाते थे। हाँ। उसके ऊपर ही पूरा खाना बनता था। हाँ। जो टाइम मेरे पिताजी ने वो टाइम पे जो चालू किया अपन, हाँ, इधर, हाँ, वही टाइम से अभी भी वैसा ही हम लोग ट्रेडिशनल एज इट इज कर रहे हैं। और यही शुरू किया? यही चालू किया। तो 1955 में सिवरी कोली वाला जो ये एरिया है, यहाँ तो जंगल ही होगा? पूरा पूरा जंगल, पूरा जंगल, हाँ, जंगल था पूरा। हाँ। तो और ये जो वड़ा पाव है उसकी स्पेशलिटी क्या है आपके वड़ा पाव की? अपने वो वड़ा पाव की स्पेशलिटी बोलेगा तो अपन पूरा चूल्हे पे बनाते हैं। हाँ। ट्रेडिशनल जो वड़ा पाव आप देखेंगे तो मेरा साइज छोटा है, लेकिन हाँ। उसमें जो अपन ऊपर का जो आटा है बेसन का, उसमें खाने का सोडा नहीं डालते सर अपन। हाँ, नहीं तो बहुत जाड़ा हो, नहीं तो जाड़ा होके फूक जाता है वो। हाँ। खाने के सोडे से वड़ा फूक जाता है, लेकिन अपने को जो वो फुगाने का नहीं है, जो मेरा जो छोटा साइज है वही जो देख के अपना वही क्वांटिटी, हाँ, उतना क्वांटिटी में मेरा ग्राहक जो कस्टमर आते हैं वो सेटिस्फाइड है। चलो तो मच्छिंदर जी, मेरे को एक कप का वड़ा पाव खाना है। ओके सर, बना के दीजिएगा। ओके सर, ओके, चलो डन। ओके सर, ईट दिस वड़ा पाव। तो इसमें दो किस्म की चटनी जाती है? दाल वड़ा रहता है, चने का दाल का जो भिगा के बनाते हैं अपन। हाँ हाँ, 4 घंटा लगता है भिगाने के लिए दाल वड़े पे। चने का दाल रहता है तो उस पर रहता है, इसके बाद जो वड़ा आ जाता है सर। तो जैसे इन्होंने कहा, ये वड़ा पाव जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें दो किस्म की चटनियां हैं, और ये जो है वो एक दाल की वड़ी है, दाल का वड़ा है, और उसके साथ देते हैं मिर्ची जो भी भजे की तरफ फ्राई की हुई है। मिर्ची तिखड़े का ही? नहीं ना, इससे पूछना चाहिए ना तिखड़े के नहीं। तो ये रहा भट्टी वड़ा पाव, जो सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, इसमें दाल का भी वड़ा है। जैसे मैं कह रहा था कि ये जो वड़ा पाव है उसके वड़े का मज़ा जो है उसके सब्जी में, आलू की सब्जी जो है ना, और ये जो सब्जी है वो बनती है इनके घर में। मच्छिंदर की जो बीवी है वो घर पे बनाती है ये, और उससे पहले आपकी माँ बनाती थी। इसलिए ये इसको एक स्मोकी फ्लेवर, क्योंकि ये भट्टी में बन रहा है वड़ा, और एक क्रंच जो दाल के वड़े की है। तो ये थे मेरे इस एपिसोड के 3 सबसे फेवरेट वड़ा पाव। अभी मुंबई में वड़ा पाव तो बहुत सारा है, और आगे के एपिसोड्स में वड़ा पाव और भी करेंगे। मैं हम लेके जाएंगे आपको अलग अलग वड़ा पाव टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वगैरह कीजिएगा, और आते रहिए, खाते रहिए, और पूछते रहिए कि खाने में क्या है।